मध्य प्रदेश में चुनावी महाभारत का घमासान मचा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इस बीच सबकी नजर शिव की नगरी उज्जैन पर भी टिकी है, जो धार्मिक महत्ता के साथ साथ राजनीतिक महत्ता भी रखती है। जिले की उज्जैन उत्तर विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उज्जैन उत्तर सीट प्रदेश में उन चंद सीटों में से है जहां पिछले 3 दशकों से बीजेपी का ही कब्जा रहा है। पिछली बार ये सीट बीजेपी के ही कब्जे में थी, लेकिन इस बार यहां की सियासी हवा बदली नजर आ रही है। कांग्रेस ने इस बार बड़ा दांव खेला है और 56 साल बाद उज्जैन उत्तर से किसी महिला उम्मीदवार को मौका दिया है। कांग्रेस ने इस बार माया त्रिवेदी को मैदान में उतारा है। माया त्रिवेदी कई बार उज्जैन नगर निगम में पार्षद रह चुकी हैं। वहीं बीजेपी ने भी इस बार नए उम्मीदवार को मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है। उज्जैन उत्तर में 35 साल बाद किसी नए चेहरे को मौका दिया गया है। इस सीट से 7 बार विधायक पारस जैन चुनाव लड़ चुके हैं, इनमें से 6 बार में जीत भी हासिल की है। लेकिन बीजेपी ने पारस जैन की जगह इस बार अनिल जैन को मैदान में उतार दिया है। अनिल जैन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष भी हैं। उज्जैन की उत्तर विधानसभा सीट की राजनीतिक इतिहास की बात करें तो ये सीट लंबे समय से ही बीजेपी की ही रही है। 33 सालों में सिर्फ एक बार 1998 में इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई थी। फिर 2003, 2008, 2013 और 2018 में बीजेपी के पारस जैन को ही जीत हासिल हुई है। बीते 20 सालों से 2003 से लेकर 2018 तक कांग्रेस ने इस सीट पर अपने प्रत्याशियों को भी बदला, लेकिन फिर भी जीत बीजेपी की ही होती रही। यहां के जातीय समीकरण की बात करें तो 2018 के आंकड़ों के अनुसार उज्जैन उत्तर के कुल 2,17,652 मतदाता हैं, जिनमें से 1,11,299 पुरुष मतदाता हैं और 1,06,346 महिला मतदाता हैं। उज्जैन उत्तर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, हालांकि मुस्लिम आबादी भी निर्णायक भूमिका में रहती है। वैसे तो उज्जैन की सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर होती है, लेकिन इस बार कांग्रेस के बागी विवेक यादव ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और चुनावी मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में उज्जैन उत्तर पर मुकाबला और दिलचस्प नजर आने लगा है।